सन 2017 में एक दिन इंग्लैंड के लंदन शहर के फायर डिपार्टमेंट को एक कॉल आई शाम के टाइम पर, और जैसे ही फायर डिपार्टमेंट उस कॉल के ऊपर कार्रवाई करते हुए एक घर के पास पहुंचा तो उन्हें वहां उस घर के गार्डन में बाहर आग लगी हुई दिखाई दी। तो फायर डिपार्टमेंट वाले पूरी टीम उस घर के अंदर गई और गार्डन को देखा। उन्हें वहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, आग भी सामने जल रही थी, दो लोग उस आग के बराबर में बैठे हुए थे और जाकर उन दोनों लोगों से फायर डिपार्टमेंट वालों ने बात करी कि आखिर ये आग तुमने किस लिए लगा रखी है। तो यहां उन्होंने कहा कि हम बॉनफायर वगैरह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी आए थे उनको यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उस आग के अंदर से जो स्मेल आ रही थी वो बहुत बहुत ज्यादा अजीब सी थी, और इसी वजह से उन्होंने यहाँ शक किया। और इस शक के बाद एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही रुला देने वाली एक कहानी दुनिया के सामने आई। जी हाँ, आज की जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आप सिर्फ गलती ढूंढते हुए रह जाएंगे कि आखिर यहाँ पर गलती किसकी थी। सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूँ। वैसे तो इस घटना की शुरुआत होती है सन 2017 लंदन से, लेकिन हम पहले जाएंगे फ्रांस में, क्योंकि यहीं पर रहा करती थी 20 साल की सोफी लियोनेट नाम की ये लड़की। यकीन मानिए, बहुत ही प्यारी, बहुत ही होनहार और बहुत सारा टैलेंट इस लड़की के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन 20 साल की उम्र में जैसे ही इसने अपना कॉलेज पूरा किया तो इसे लगा कि इसका इंटरेस्ट बच्चों के अंदर ज्यादा है, तो इसने यहाँ सोचा कि क्यों ना वो किसी बच्चों की देखभाल करने वाली नौकरियों में अपना फ्यूचर बनाए, और इसी के लिए उसने आसपास नौकरियों के लिए अप्लाई भी किया। उसने सोचा कि क्यों ना वो फ्रांस से निकलकर किसी बाहर देश में जाकर नौकरियां करे ऐसी, तो उसके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और बाहर जब निकलेगी वो तो वो दुनिया भी देख लेगी कि असल में दुनिया है कैसी। और बिल्कुल ऐसी ही एक नौकरी का ऑफर यहाँ सोफी को सन 2016 में लंदन से आया। अब जैसे ही उसने देखा कि इस फैमिली को ऑपेयर चाहिए है, ऑपेयर असल में वो इंसान होता है जो किसी और के बच्चों की देखभाल करे और बदले में वो फैमिली उस देखभाल करने वाले व्यक्ति को अपने घर में कमरा और खाना पानी दे। अब जैसे ही यहाँ पर सोफी ने देखा कि इस घर में दो बच्चे हैं और इनकी देखभाल करनी है, सोफी को लगा कि ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, उसे लंदन जाने का भी मौका मिल जाएगा और वो दुनिया भी देख लेगी, उसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। सोफी ने तुरंत इस नौकरी के लिए हाँ कर दी। सोफी तुरंत यहाँ अपना तामझाम उठाकर फ्रांस से लंदन में आ गई, और जैसे ही यहाँ उसने उस फैमिली से पहली बार मुलाकात करी उसको लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। इस फैमिली के अंदर एक कपल और उनके दो बच्चे थे, दोनों ही लड़के। यहाँ उस महिला का नाम सबरीना कुएटा था जिसकी उम्र 35 साल की थी, और दूसरा उसके पति जिसका नाम सैम था उसकी उम्र यहाँ 40 साल की थी। अब ये दोनों एक साथ इस घर में रहा करते थे और इन्हीं के दो बच्चे थे, और इन्हीं बच्चों की अब देखभाल हमारी सोफी लियोनेट करने वाली थी। अब बाहर से देखे तो ये जोड़ा एकदम परफेक्ट लग रहा है, इनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिक्कत यहाँ इनके अंदर थी। जी हाँ, अंदरूनी रिलेशन इनके बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। ये दोनों आपस में सबसे पहली बार सन 2001 में मिले थे, उसके बाद से ही ये लगातार मिलते आ रहे थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम रुक रुक कर। इसी वजह से इनके बीच कुछ ना कुछ कमियां थी जो अभी तक पूरी हो नहीं पा रही थी। इसके अलावा यहाँ सबरीना जो कि एक फैशन डिजाइनर थी, इसके अलावा सैम जो कि एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब आसपास की बड़ी बड़ी कंपनियों में कर रहा था। लेकिन यहाँ आस पड़ोस के लोगों ने भी बताया कि ये दोनों बाहर से दिखने में जितने एक अच्छे कपल लग रहे हैं, अंदर से उतने ही ये एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं। ये ना ही कभी एक साथ कहीं बाहर जाते, ना ही कभी किसी आस पड़ोस के फंक्शन में शामिल होते, ना ही किसी से बात करके खुश हैं, ना ही किसी को देख के खुश हैं। ये हमेशा अपने आप से ही मतलब रखते हैं। असल में यहाँ दिसंबर 2015 में सोफी यहाँ दो हफ्तों के लिए ट्रायल पर भी आई थी, और इस नौकरी में वो अपना ट्रायल दे रही थी कि क्या मैं इनके लिए परफेक्ट हूँ और ये मेरे लिए परफेक्ट है या नहीं। तो दिसंबर 2015 में ये ट्रायल पूरा करने के बाद सभी लोगों को बढ़िया लगी सोफी, और सोफी को भी ये परिवार अच्छा लगा। तो यहाँ जनवरी 2016 में सोफी फ्रांस को छोड़कर परमानेंटली अब लंदन में शिफ्ट हो चुकी थी। जिस घर में सारे लोग रहा करते थे वो घर ज्यादा बड़ा नहीं था, दो ही बेडरूम उसमें थे और बाहर यहाँ गार्डन था, तो इसीलिए मजबूरन यहाँ सोफी को उन दो लड़कों के साथ ही सोना पड़ता था जिनका वो ख्याल रखती थी। उनकी उम्र यहाँ 8 और 4 साल की थी, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ, वो बच्चे यहाँ दोनों ही बहुत प्यारे थे। इसके अलावा सबरीना और यहाँ सोफी की भी अच्छी पट रही थी, क्योंकि यहाँ सबरीना एक मेकअप आर्टिस्ट भी थी, तो यहाँ वो कई बार सोफी का मेकअप वगैरह किया करती थी, दोनों अच्छे घुलने मिलने लगे थे। स्टार्टिंग में यहाँ सोफी डेली अपनी माँ को भी फोन किया करती थी और अपडेट देती थी कि कैसे यहाँ के लोग हैं, कैसे वो यहाँ अपने दिन काट रही है और कैसी उसकी जॉब चल रही है, सब कुछ यहाँ वो बताया करती थी। बहुत खुश लग रही थी सोफी यहाँ, लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। यहाँ शिफ्ट होने के कुछ ही महीनों बाद
सोफी यहाँ बहुत डिप्रेस्ड दिखने लगी। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि जब भी यहाँ सोफी इस घर से निकलकर कहीं मार्केट में सामान वगैरह लेने जाया करती थी, जिस भी दुकान पे जाती थी, उन दुकानदारों ने भी बताया कि सोफी यहाँ हमेशा से ही सामान लेने आती रही है, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ आते ही वो बहुत खुश लगा करती थी, लेकिन अब जैसे ही कुछ टाइम से वो आ रही थी यहाँ, वो हमेशा डिप्रेस्ड दिख रही थी। वो ना ही किसी से बात करती थी, जस्ट अपना सामान लिया, किसी से कुछ बोला नहीं और जस्ट वापस अपने घर के अंदर चली गई। यकीन मानिए, इसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत बहुत ज़्यादा अजीब है। और यहाँ सोफी के इस डिप्रेशन के पीछे कारण था सबरीना और उसका पति सैम। जी हाँ, ये दोनों मिलकर ही सोफी को इस हालत के अंदर धकेलते जा रहे थे। असल में यहाँ अब आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है सबरीना के ऊपर। ये जो सबरीना आपको अभी तक बहुत अच्छी दिख रही है, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर है, मेकअप आर्टिस्ट भी है, अब यही अपना असली रूप दिखाने वाली थी सोफी को। असल में यहाँ सबरीना सैम को तो हाल ही में मिली थी। उससे पहले उसका एक और बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम मार्क वॉल्टन था। जहाँ मार्क और सबरीना का रिलेशन यहाँ 2011 से लेकर 2013 तक चला और उसके बाद यहाँ ये दोनों अलग हो गए। असल में मार्क वॉल्टन कोई और नहीं बल्कि वहाँ के एक जाने माने म्यूजिक बैंड का अच्छा हिस्सा रहा है। अब हमें पता ही है कि बाहर के देशों में म्यूजिक बैंड वगैरह बहुत मोटा पैसा कमाते हैं, और इसलिए यहाँ मार्क वॉल्टन भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। उसके पास भी यहाँ अंधा पैसा पड़ा हुआ था, और उसी अंधे पैसे के पीछे यहाँ सबरीना कई बार उससे उधार वगैरह ले लिया करती थी, पैसे वगैरह ले लिया करती थी। अब यहाँ सबरीना को मार्क से पैसा मिल रहा था, तो सबरीना ने यहाँ इस घर के अलावा एक और घर ले लिया। अब उस घर की EMIs जो थी वो यहाँ सबरीना को भरनी थी। अब सबरीना किसके भरोसे थी? मार्क के। मार्क ही वो उस घर की EMI सबरीना के नाम पर भर रहा था। लेकिन 2013 आते आते इन दोनों का रिलेशन टूट गया। अब रिलेशन जब टूट गया है तो मार्क क्यों ही सबरीना के घर की EMI भरेगा? लेकिन सबरीना को ये बात हजम नहीं हुई कि अब उसकी EMI कौन भरेगा। इस बात को लेकर वो यहाँ मार्क के पीछे पड़ गई और उसके ऊपर बहुत ही अजीब अजीब से आरोप लगाने लगी। यकीन मानिए, सबरीना यहाँ पुलिस स्टेशन चली गई सिर्फ इस बात को लेकर कि मार्क ने अपनी बिल्ली को 2 दिनों से कुछ खाना पानी नहीं दिया है। तो पुलिस यहाँ एनिमल क्रुएल्टी के तहत जांच करने के लिए जब मार्क के घर पहुंची तो उनको पता चला कि मार्क के पास तो कोई बिल्ली ही नहीं है। ये जस्ट यहाँ पहला इंसिडेंट था जिससे सबरीना यहाँ मार्क की जिंदगी को तबाह करने वाली थी, बर्बाद करना चाहती थी। इसके बाद तो यहाँ शिकायतों का यकीन मानिए थैला ही भर दिया सबरीना ने मार्क के खिलाफ। इसके अलावा वो बार बार जाकर यहाँ पुलिस को कहती कि मार्क उसका पीछा कर रहा है, रातों को उसको सोने नहीं देता। जबकि जब मार्क से इसके बारे में पूछा जाता तो वो प्रूफ दे देता कि जनाब मैं तो इस टाइम पर कहीं और ही था, आप देख सकते हैं, मेरी लोकेशन देख सकते हैं, मेरी ये टिकट्स वगैरह देख सकते हैं। अब पुलिस को भी मार्क की बात माननी पड़ती जो कि वो सही कह रहा था। तो पुलिस को यहाँ पता लग गया कि जो सबरीना है ये हमेशा झूठी झूठी शिकायतें लेकर आ रही है और इसके ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं देना चाहिए। सन 2015 तक आते-आते यकीन मानिए 2 साल के अंदर यहां 30 से ज्यादा कंप्लेंट्स सबरीना मार्क के खिलाफ पुलिस स्टेशन में लिखवा चुकी थी। पुलिस को यहां पता चल चुका था कि ये सबरीना और कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ मार्क की इज्जत को उछालना चाहती है मार्केट में, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां मार्क ने उसे पैसा देना बंद कर दिया था। अब पैसा नहीं मिलेगा तो क्या इज्जत उछाल देगी? ऐसा नहीं होने देना चाहती थी पुलिस, और इसलिए यहां पुलिस ने सबरीना को ही वार्निंग दे दी कि तुम प्लीज यहाँ शांत रहो वरना हमें तुम्हारे खिलाफ ही 1-2 पर्चे लगाने पड़ेंगे और तुम्हें अंदर बिठाना पड़ेगा। अब ये चीज सुनकर सबरीना थोड़ी सी डर गई और वो अपने घर वापस चली गई। अब जैसे कि 2015 में यहाँ सबरीना को वो वार्निंग मिली थी और 2016 की जनवरी में ही यहाँ सोफी सबरीना और सैम के घर पर शिफ्ट हो चुकी थी, सभी एक साथ रहने लगे थे, कुछ महीने तो यहाँ बिल्कुल सही बीते। लेकिन थोड़ा टाइम बीतने के बाद यहाँ सबरीना ने सोफी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाने स्टार्ट कर दिए कि सोफी यहाँ मार्क को जानती है, ये दोनों पहले से ही एक दूसरे से मिले हुए हैं और इन दोनों ने ही कोई बुरा प्लान बनाया है हमारे यानी कि सबरीना और उसके परिवार को बर्बाद करने के लिए, और सोफी इस फैमिली को बर्बाद करने के लिए ही यहाँ इन बच्चों की केयर करने का बहाना लेकर इस परिवार में शिफ्ट हुई है, सबरीना ने कहना स्टार्ट कर दिया। जबकि सोफी जब उसकी बातें सुनती वो मार्क 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 चिल्ला रही थी सोफी के ऊपर, जबकि सोफी को पता नहीं था कि ये मार्क असल में है कौन। लिटरली अब तो हर एक दिन ऐसा आने लगा था कि सुबह उठते ही यहाँ सैम और सबरीना दोनों ही सोफी के ऊपर हाथ पैर नहा धो के पीछे पड़ जाते और जैसे उससे पूछने लगते कि बता मार्क से तेरा क्या लेना देना है। अब सोफी बेचारी और क्या ही कहती, उसे पता ही नहीं था लिटरली मार्क कौन है। वो डेली यहाँ शाम होते ही सोफी की क्लास लगाते, उसे बैठाते सामने, और ना सिर्फ बैठाकर उससे यहाँ पूछताछ की जाती थी बल्कि हर 2-3 मिनटों बाद उसके ऊपर वार भी किए जा रहे थे। पहले पहले यहाँ सैम को नहीं लग रहा था कि सोफी
मार्क के साथ मिली हो सकती है, लेकिन जैसे यहाँ सबरीना डेली उसके पीछे पड़ी रहती थी तो यहाँ अब सैम को भी लगने लगा था कि हो सकता है सच में सोफी मार्क के साथ मिली हुई हो। इसलिए यहाँ उसने इस बात को सोचकर उसने खुद ने भी यहाँ सोफी को मारना स्टार्ट कर दिया। यहाँ सैम और सबरीना का एक ही मकसद था और वो था कि वो किसी तरह से सोफी से ये उगलवा लें कि वो क्या मार्क को जानती है। अगर नहीं भी जानती तो भी वो बस ये बोल दे कि वो मार्क को जानती है, बाद में सैम और सबरीना सब कुछ अपने हिसाब से देख लेंगे। वो सोफी को मार पीट कर बस ये बुलवाना चाह रहे थे कि वो मार्क से मिली हुई है और उसके कहने पर ही यहाँ आई है, जबकि सोफी को इससे कोई लेना देना नहीं था। अब आप सोच कर देखें, ये चीज़ एक लड़की के साथ जिसकी उम्र अभी सिर्फ 20-21 साल की ही है, उसके साथ कई महीनों से चलती आ रही है, और ना सिर्फ अब ये चीज़ डेली हो रही थी बल्कि यहाँ सबरीना ने सोफी को ये भी कह दिया कि उसके पास अब पैसे खत्म हो चुके हैं और वो अब तुम्हें अपनी नौकरी के बदले कोई पैसा नहीं देगी। अब आप सोच कर देखिए, पैसा ना मिलने पर भी सोफी को यहाँ दिन के 13-13 घंटे बच्चों को संभालने का काम करना था। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि जो लड़की यहाँ सबरीना और सैम के बच्चों को संभाल रही थी, उसी लड़की का खाना पानी तक यहाँ सबरीना और सैम ने बंद कर दिया था। अब खाना पानी बंद हो चुका था तो बेचारी सोफी की हालत बहुत पतली होती जा रही थी, उसका वेट लगातार गिरता जा रहा था। तकरीबन 16 महीने बीत चुके थे सोफी को इस घर में रहते हुए, और इन 16 महीनों के काफ़ी टाइम बाद ही यहाँ सोफी ने मौका पाकर अपनी माँ को फ़ोन किया और सारी बात यहाँ अपनी माँ को बताई कि ऐसे ऐसे ये चीज़ मेरे साथ हो रही है यहाँ पर और मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, मैं यहाँ से निकलकर अपनी प्लेन की टिकट करवाकर वापस फ्रांस आना चाह रही हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि कोई टेंशन मत लो, मैं अभी बैंक जा रही हूँ और तुम्हारे यहाँ इंग्लैंड वाले बैंक के खाते में मैं अभी पैसे डलवा देती हूँ। लेकिन जैसे ये कॉल कटा, पीछे मुड़कर सोफी ने देखा तो पीछे यहाँ सबरीना खड़ी हुई थी। सबरीना ने तुरंत सोफ़ी की माँ को एक बार फिर से फ़ोन किया और कहा कि आपको यहाँ पैसे डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सोफ़ी के ऊपर अभी पुलिस ने कई सारे चार्जेस लगाए हैं, इसने मेरी हीरे की अंगूठी चुराई है और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक यहाँ से सोफ़ी नहीं निकल सकती। अब ये बात सुनते ही सोफ़ी की माँ भी परेशान कि मेरी बेटी तो ऐसा नहीं कर सकती। सोफ़ी खुद हैरान कि मैंने कौन सी अंगूठी तुम्हारी यहाँ चुरा ली, लेकिन सबरीना काबू नहीं आ रही थी। अब आप ही यहाँ सोच कर देखिए, सोफ़ी की यहाँ सिर्फ इस बात को लेकर पिटाई हो जाती थी कि उसके हाथ से यहाँ खाने की एक चम्मच नीचे गिर गई, और वो भी यहाँ उसकी गलती नहीं थी, वो यहाँ सबरीना के छोटे लड़के जिसकी उम्र उस टाइम पर सिर्फ 4.5 साल की ही हुई थी उसे खाना खिला रही थी और उसने हाथ मारा और वो चम्मच जो थी वो गलती से नीचे जा गिरी, हाथ से छूट गई सोफी के। लेकिन यहाँ सबरीना ने ये चीज़ देखी कि उसके हाथ से चम्मच गिर गई है, सबरीना यहाँ अपना पूरा तामझाम लेकर उसके ऊपर चढ़ गई, उसको यहाँ इतना मारा कि उसके आँख तक सूज चुकी थी, और उसी सूजी हुई आँख में बेचारी सोफ़ी यहाँ बाहर से सामान लेने के लिए गई। एक दुकान पर वो लगातार जाती थी और उस दुकान पर जैसे ही गई और उस दुकान के मालिक ने यहाँ सोफ़ी को देखा तो उसे पूछ लिया कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। तो बेचारी सोफ़ी ने डरते डरते कहा कि सबरीना ने मुझ पर हमला किया है और मेरा ऐसा हाल कर दिया। दिन आया 20 सितंबर 2017 का, जब तकरीबन शाम के 4:30 या 5 बज रहे थे, और तभी यहाँ वहाँ के फायर डिपार्टमेंट को एक पड़ोसी का फ़ोन आया और उस पड़ोसी ने बताया कि मैं 3-4 घंटे से नोटिस कर रहा हूँ यहाँ सैम और सबरीना वाले घर के गार्डन से बहुत घना काला धुआं निकल रहा है। अब मुझे धुएं से दिक्कत नहीं है, लेकिन उस धुएं के साथ जो स्मेल यहाँ पूरे इलाके में फैल रही है वो बहुत अजीब सी है, आप प्लीज़ यहाँ आकर देख लीजिए कि क्या पता वो अंदर घर में हो या ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। तो यहाँ फायर डिपार्टमेंट अपनी गाड़ी लेकर तुरंत यहाँ इस घर में पहुँचा। सैम और सबरीना गार्डन में ही बैठे हुए थे, बाहर खड़े ऑफिसर्स ने गेट खटखटाया, सैम और सबरीना दोनों ही यहाँ गेट खोलने के लिए आए, और जो पूरी टीम को सामने देखकर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए, उन्होंने पूरी टीम का अंदर वेलकम किया, सभी को यहाँ गार्डन में लाकर बैठा दिया। अब पूरी टीम यहाँ उस साइड में लगी हुई आग को देख रही है और इस आग के ऊपर यहाँ सैम और सबरीना दोनों चिकन पका रहे थे, मुर्गा पकाकर खा रहे थे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि वो जो फायर डिपार्टमेंट वाले थे वो भी मुर्गों से बहुत प्यार करते थे, उनको पता था कि मुर्गा पकाने पर कैसी स्मेल आती है, तो उन्होंने यहाँ पूछा सैम और सबरीना से कि मुर्गा तो देखो यार हम भी खाते हैं लेकिन ऐसी स्मेल तो कभी नहीं आई, तो हम इस स्मेल को ही जानने के लिए यहाँ आए हैं, आप हमें बताइए स्मेल किस चीज़ की है। सैम और सबरीना कुछ बोलने को तैयार ही नहीं थे, तो पीछे खड़े एक और ऑफिसर ने वो जो आग बुझाने वाला सिलेंडर होता है उसका तुरंत नोब खोला और तुरंत वो आग जो सामने लगी हुई थी बॉनफायर टाइप उसके ऊपर देकर मारा, और तुरंत वो जो देखते देखते आग जो थी वो सारी बुझ गई। अब बुझते ही यहाँ बॉनफायर में यहाँ
ऑफिसर्स ने देखा कि इस चिकन वाली जो जाली है जिसके ऊपर चिकन रखा हुआ है उसके नीचे कुछ और भी रखा हुआ है। तो ऑफिसर्स ने यहाँ सैम से पूछा कि बाऊजी ये क्या है। तो सैम ने बताया कि सर आज मैं सुबह सुबह शहर से बाहर गया था एक किसान के पास और उस किसान ने अपने घर में अपनी ही भेड़ को काटा हुआ था, तो उसने आते आते थोड़ी सी भेड़ के जो हिस्से थे वो मेरे लिए भी पैक कर दिए और मैं उसी भेड़ के हिस्से को ही यहाँ इस आग में पका रहा हूँ। चलिए बढ़िया था। यहाँ ऑफिसर्स ने उसको और जाकर पास से देखना चाहा और ऐसे देखते ही बिना हाथ लगाए वापिस सैम की तरफ देखा और कहा कि इधर आ, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूंगा, बस ये बता दे कि ऐसी कौन सी भेड़ इस दुनिया में पाई जाती है जो चश्मा लगाकर घूमती है या फिर उसका मालिक उसे चश्मा लगाकर काटता है, क्योंकि यहाँ उस आग के अंदर अभी अधजला चश्मे का फ्रेम पड़ा हुआ था। और जब यहाँ फायर फाइटर्स ने उस चश्मे को उठाकर देखा और उस चश्मे के बिल्कुल बराबर में ही इंसानी उंगलियों के अवशेष और यहाँ इंसानी नाक भी उसी आग के अंदर पड़ी हुई थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये सैम और सबरीना कुछ और नहीं बल्कि सोफी की लाश को ही इस बॉन फायर में जला रहे थे। यहाँ बॉडी के अवशेष मिलते ही पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और यहाँ सैम और सबरीना को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी जो बची कुची बॉडी थी यहाँ सोफी की उसे यहाँ लोड किया गया एम्बुलेंस के अंदर और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया ताकि यहाँ डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम कर सकें। बची कुची लाश यहाँ पुलिस को सोफी की मिल चुकी थी और उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि जब भी ये सोफी मरी थी उस टाइम पर उसके जो फेफड़े थे ये फूले हुए थे और ये फूले हुए तभी होते हैं जब किसी व्यक्ति की मौत डूबने से होती है। तो यहाँ ये क्लियर साइन था कि सोफी की मौत डूबने से हुई है। अब पुलिस को ये तो पता लग गया था कि मौत कैसे हुई है, लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि डूबने से आदमी मरता है उसकी हड्डियाँ नहीं टूटती, बट यहाँ तो सोफी के बचे कुचे शरीर में काफी सारी हड्डियाँ टूटी हुई मिल रही थी। अब ये चीज कैसे हुई? पुलिस ने यहाँ सैम और सबरीना से कड़ी पूछताछ करी, लेकिन दोनों में से ही कोई बोलने को तैयार नहीं था। डॉक्टर्स यहाँ ये क्लियर कर चुके थे कि ये जो हड्डियाँ टूटी हैं सोफी की ये ऐसे ही नहीं टूटी बल्कि इसके साथ बहुत भयंकर मार पिटाई की गई है। अब आप खुद सोच कर देखिए, इतनी गंदी तरह से यहाँ बेचारी सोफी को पीटा गया था कि उसकी हड्डियों में दर्जन भर से ज़्यादा क्रैक आ चुके थे। इतना ही नहीं, यहाँ 5 जनवरी 2018 का दिन आ गया जब फाइनली यहाँ सैम ने मुँह खोला और कहा कि हम दोनों यानी कि मैं और सबरीना हर रोज़ सोफी को एक बाथरूम के अंदर बंद करके वहीं पर उसे बैठाते थे और पूछते थे उससे कि बता मार्क के साथ तेरा क्या लेना देना है। हम डेली उसे उस बाथरूम के अंदर कई कई घंटों के लिए बंद कर देते थे और हो सकता है जिस दिन उसकी मौत हुई वो बाथरूम में ही थी और गलती से उस दिन वहाँ का जो टब था, हमारे बाथरूम का जो टब था, उसमें पानी भरा रह गया हो। अब क्योंकि यहाँ सोफी के पास उस बाथरूम में कहीं और बैठने की तो जगह होती नहीं थी, बेचारी की हालत इतनी पतली हो चुकी थी कि वो कहीं खड़ी रह नहीं सकती और इसलिए यहाँ सोफी उस बाथ टब के किनारे पर जाकर बैठ जाया करती थी। अब यहाँ सैम ने कहा कि हो सकता है सोफी यहाँ बैठे बैठे ही उस टब के अंदर गिर गई हो और डूबने से की मौत हो गई। पुलिस ने कहा ठीक है, मान लिया कि सोफी अपने आप उसके अंदर गिरकर मर गई, तो हमें बस ये बता दे कि डूबने से उसकी हड्डियां कैसे टूटी। अब इस चीज का जवाब किसी के पास नहीं था। पुलिस यहां समझ चुकी थी कि यहां इन दोनों ने ही उसके साथ मार पिटाई करके उसे यहां अंदर डुबाया है, लेकिन यहां सैम ने मुंह खोला और कहा कि मैंने नहीं, सिर्फ और सिर्फ सबरीना ने ही यहाँ सोफी के साथ मार पिटाई करी थी और उसे जबरदस्ती उस बाथटब के अंदर डुबाने की कोशिश करी और यहाँ वो डूब भी गई, उसकी मौत भी हो गई और इसके बाद यहाँ इसकी लाश को हमने कुछ टाइम तक एक बड़े से सूटकेस के अंदर बंद करके रखा और फाइनली सितंबर 2017 में उस दिन हमने उसकी लाश को जलाने का सोच लिया। अब यहाँ सैम के तो बयान लिए जा चुके थे। अब जैसे ही सैम ने बयान दिया सबरीना का गुस्सा फूट पड़ा। यकीन मानिए उसने यहाँ टोटल सारा का सारा बिल इस पूरे कांड का सैम के नाम पर फाड़ दिया। उसने कहा कि 17 सितंबर 2017 के दिन यहाँ जैसे ही वो सोकर उठी यहाँ और उसने बाहर जाकर देखा तो बाहर जाकर जो बाथरूम उनका बना हुआ था उस बाथरूम में यहाँ सोफी और सैम आपस में लड़ रहे थे और उन दोनों की आपसी लड़ाई में ही यहाँ सोफी ने सैम के हाथों में ही दम तोड़ दिया। सैम ने ही यहाँ सोफी का मर्डर किया है, मेरा कोई लेना देना नहीं है बाऊजी, ये चीज कहकर सबरीना अपना पीछा छुड़वाना चाहती थी इस पूरे केस से, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। दोबारा यहाँ पुलिस सैम के पास पहुंची और कहा कि देख तेरी मैडम ने ऐसा ऐसा कुछ कहा है हमें। अब जैसे उसे ये पता चला कि सबरीना ने ये बयान दिए हैं वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने कहा कि देखो जनाब, आपको पता ही है कि ये सबरीना
पिछले इतने टाइम से मार्क के ऊपर इतने सारे ब्लेम्स लगाती आ रही है और ये मेरे ऊपर भी बिल्कुल ऐसा ही ब्लेम लगाना चाह रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसने ही यहाँ सोफी को मारा, उसे डुबाया, बाद में उसकी फिर से पिटाई करी, उसकी हड्डियों को तोड़ा और बाद में फिर हम दोनों मिलकर उसकी लाश को जलाने वाले थे। मैं सिर्फ यहाँ उसकी लाश को निपटाना चाहता था सबरीना के साथ मिलकर, ताकि सबरीना को बचाया जा सके। यहाँ सैम ने पुलिस को बताया कि सोफी के ऊपर हमला सबरीना बहुत बार करती थी। हाँ, मेरी बस गलती यह है कि मैंने कभी सबरीना को रोका नहीं और सोफी को बचाने की कोशिश नहीं करी। 13 सितंबर 2017 के दिन भी यहाँ सबरीना सोफ़ी को बहुत गंदा टॉर्चर करने वाली थी। आप सोच कर देखिए, बेचारी वो लड़की बाहर से यहाँ आकर उसके बच्चों का ख्याल रख रही है और बदले में उसे बिजली के झटके मिल रहे हैं। जी हाँ, यहाँ सबरीना सोफ़ी को हर रोज़ बिजली की नंगी तारों से झटके दिया करती थी। सैम ने यहाँ पुलिस को कहा कि देखो, मैं यहाँ अपना घर बचाना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि सबरीना यहाँ से निकलकर जेल में चली जाए, इसलिए मैंने कभी पुलिस को नहीं बताया। और जब अब पुलिस को पता चला है तो ये सबरीना पूरा का पूरा बिल मेरे नाम के ऊपर फाड़ रही है। पुलिस को इस घर की जांच के अंदर एक कैमरा मिला और उस कैमरे के अंदर कुल टोटल 18 अलग अलग वीडियोस थी। ये 18 अलग अलग वीडियोस सिर्फ और सिर्फ सोफी की ही थी। इन वीडियोस के अंदर ये दोनों मिलकर, सैम और सबरीना मिलकर, सोफी को इंटरोगेट कर रहे हैं, उसे पूछताछ कर रहे हैं मार्क को लेकर। और बेचारी इन वीडियोस के अंदर इतनी दुबली पतली दिखाई दे रही है। वो वीडियोस तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन उन वीडियोस में से लिया हुआ एक स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक लड़की जो कि पहले कुछ ऐसी हुआ करती थी, बाद में यहाँ इन दोनों लोगों ने मिलकर, सैम और सबरीना ने मिलकर बेचारी को ऐसा बना दिया जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोच कर देखिए, बेचारी सोफी के शरीर में क्या ही जान बची होगी। ये बिल्कुल अंतिम वीडियो का स्क्रीनशॉट था जो मैंने अभी आपको दिखाया। और इसी वीडियो में यहाँ सोफी ने ये भी कन्फेस किया है कि हाँ, वो मार्क को जानती है, लेकिन जिस हिसाब से वो बोल रही है उसे लगता नहीं। और यहाँ बाद में सबरीना ने ही बताया कि उसी ने यहाँ सोफी को फोर्स किया था कि एक बार तू कैमरे पर बस ये बोल दे कि तू मार्क को जानती है, और उसके कहने पर ही यहाँ मेरे घर में नौकरी करने के लिए आई है, मैं तुम्हें यहाँ इस देश से बाहर निकाल दूंगी, वापस अपने फ्रांस भेज दूंगी। अब बेचारी डरती क्या ना करती, उसने यहाँ मजबूरन कैमरे पर बोल दिया कि हाँ, वो मार्क के कहने पर यहाँ आई है। उसको लग रहा था कि ये कहते ही सबरीना उसे उसका पासपोर्ट वापस दे देगी और उसे वापस फ्रांस भेज देगी, लेकिन वो गलत थी। क्यों? क्योंकि यहाँ सबरीना ने सोफी का पासपोर्ट जिस दिन वो आई थी उससे अगले दिन ही आग के अंदर जलाकर ख़त्म कर दिया था, ताकि किसी भी तरीके से सोफ़ी अपने घर वापस ना जा सके। मार्च 2018 में यहाँ सैम और सबरीना का ट्रायल स्टार्ट हुआ, जो कि पूरे 2 महीने चला। इस बीच यहाँ जज ने सारे सबूतों को देखा और 18 रिकॉर्डिंग्स को अच्छे से सुना, जिसके अंदर अच्छे से यहाँ ये सुना जा सकता था कि कैसे सैम और सबरीना डेली बैठाकर सोफी को इंटेरोगेट किया करते थे, उसके साथ मार पिटाई किया करते थे। अच्छी बात यहाँ ये थी कि मार्क वॉल्टन खुद भी यहाँ इस ट्रायल के अंदर आकर खड़ा हुआ। उसने भी यहाँ कोर्ट से ये कहा कि ये जो सबरीना है ना, ये हिली हुई है, इसकी बातों का कोई विश्वास मत करना, ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। और बात यहाँ बिल्कुल सही भी थी, वो जिसके साथ यहाँ रह रही थी यानी कि सैम के साथ, उसे ही फंसाने की कोशिश कर रही थी अपने आप को बाहर निकालने के लिए। जो भी लोग यहाँ कोर्ट में खड़े होते थे और जब इन दोनों सैम और सबरीना को देखते, तो इनके चेहरे पर 1% भी यहाँ कोई भी यहाँ शिकन नहीं थी, कोई इनको अपनी गलती का एहसास नहीं था कि उन्होंने बेचारी एक मासूम सी लड़की के साथ आखिर क्या किया है। इनको रोना आया तब जब यहाँ जज ने इन दोनों को ही उम्र कैद की सजा सुना दी, वो भी गैर जमानती। मतलब कि यहाँ वो 30 साल के लिए तो जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, 30 साल बाद यहाँ देखेंगे कि वो जमानत पर बाहर आते हैं, उनकी जमानत खारिज होती है या नहीं। बेचारी सोफ़ी के उसी कमरे से, जिस कमरे में वो उन दोनों बच्चों के साथ रहा करती थी, उसी कमरे से सोफ़ी के द्वारा लिखा हुआ एक लेटर भी मिला, और उस लेटर में लिखा हुआ था वाई मी, यानी कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, नीचे छोटे से अक्षरों में लिखा हुआ था सोफ़ी। बहुत बहुत ज़्यादा दुख भरी कहानी थी बेचारी सोफ़ी की, जिसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी यहाँ उसे ये सब कुछ झेलना पड़ा। बहुत उम्मीद लेकर फ्रांस से यहाँ इंग्लैंड शिफ्ट हुई थी, अच्छी नौकरी करेगी, अच्छा अपना फ्यूचर बनाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पहली ही नौकरी उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी, और ना सिर्फ दुश्मन बनेगी बल्कि उसकी जान ही ले लेगी। ये कहानी थी सोफ़ी लियोनेट की। और अगर आपको ऐसी ही स्टोरीज छोटे फॉर्मेट में देखनी हो रील्स के अंदर, तो मैं हर एक दिन छोड़कर इंस्टाग्राम पर रील डालता हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट रोहित कदम को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।